नमस्कार, आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे पास में धान की कटाई हो रही थी तो वहीं पे आए थे, तो भैया यहाँ पे मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि सब बनाते हैं। ये देखिए, सब भैया बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। ये चाय पीने वाला है, इसमें पक्का करते हैं इसको। फाइनली ये तैयार हो गया है। और ये इधर अभी कच्चे रखे हुए हैं। भैया ये क्या बनाया, सिलेंडर है? ये भैया बनाते हैं मिट्टी के बर्तन। ये बड़ा गुल्लक है। अच्छा, ये गोलक है? ये गुल्लक है, बड़ा वाला। इसमें 4-5 साइज आता है। ये कलश है। अच्छा, और क्या क्या बनाते? बहुत सारे आइटम बनाता हूँ। कलश कौन सा? ये कलश है। अच्छा, ये कलश रखे हुए हैं। ये देखिए, सब मिट्टी के बर्तन बना रहे भैया। बहुत आइटम। ये सिलेंडर है? ये सिलेंडर है। देखो, पहले लोहे का सिलेंडर आता था, मिट्टी का भी आने लगा। तो ये ऐसे खाली शोपीस के लिए होंगे ये वाले ना? पकाने के बाद ऑयल पेंट होगा। अच्छा अच्छा तो अभी कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? इसको तो कल भट्टी में डालेंगे। अच्छा अच्छा कल भट्टी में डालेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा तैयार में भी मतलब है सिलेंडर बड़ा वाला। अच्छा, तैयार में है? पेंटिंग करके तैयार। कहाँ है वो, दिखा दे। हाँ, जरा दिखाइएगा। ये अभी कच्चा रखा हुआ है सिलेंडर। एक तैयार भैया कह रहे तैयार रखा है, वो दिखाते हैं आपको। लेने गए अंदर, अच्छा ये सब मट्टी लाते हैं। ये कहाँ से लेके आते हैं? ये आंटी भी बनाती है, भैया के साथ पूरी मदद कर रही हैं बनाने में बर्तन। ये सब मिट्टी इकट्ठा करके लाते हैं पहले? अच्छा अच्छा तो ये दूसरी वाली मिट्टी होगी, चिकनी वाली? अच्छा, काली वाली मिट्टी है। ये सब देखिए, कितने चाय के प्याले रखे हुए हैं कच्चे अभी। और यहाँ पर ये बनता है। अरे भैया बहुत बढ़िया, ये एकदम पूरा तैयार है। देखो, पेंट उंट करके भैया ने तैयार कर रखा है। ये दिया है दिवाली के लिए, ये सब दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। बहुत भैया ने बहुत बढ़िया बनाया है। ये देखिए सिलेंडर, ये पूरा तैयार है। ये देखिए एकदम बिल्कुल हल्का है। ये मतलब गुल्लक बनाई है आपने? गुल्लक, इसको गुल्लक बनाया है। देखो अंदर पूरा होल है उसमें ना। अच्छा, ये होल है इधर से। ये वाला अलग से गुल्लक जो मिलता है मार्केट में, लेकिन ये नया डिजाइन है एकदम। इसमें का 4-5 साइज आता है। अच्छा अच्छा, ये सबसे फुल साइज में बनाए हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे मतलब 3 साइज भी है। 3 साइज इसके अलावा और है? और। अच्छा अच्छा, ये कितना बड़ा आता है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। अच्छा अच्छा, तो उनमें तैयार नहीं है तीनों में? नहीं, एक तैयार होगा। अच्छा अच्छा, ये इस साइड में क्या क्या बना के रखे हैं? ये क्या है? ये दिया है। अच्छा, ये भी दिया है? हाँ, ये मंदिर दिया। इसमें जो है ना, ये होल कटा है। अच्छा, इसको मंदिर दिया बोलते हैं? हाँ, ये जो इसमें दिया चपकाना है, अभी लगाना है इसको, ये दिया। अच्छा, लगाएंगे। देखिए। अच्छा, इसको ऐसे अंदर दिया रख देंगे? हाँ, दिया जलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ऐसे रहेगा, बहुत बढ़िया। अभी छठ पूजा भी आने वाली है, तो हाँ, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। भैया ने वो छठ पूजा के लिए दिए बनाए हुए हैं। भैया जरा दिखाना वो वाला, गीला है। बहुत बढ़िया। ये इधर ये दिवाली के लिए दिए हैं ये सब। इतना भैया मटेरियल बनाते हैं, बहुत सारा आइटम है, बहुत सारा आइटम। और भी कुछ इसके अलावा? और क्या क्या हम बताएंगे आपको, बहुत सारे आइटम। जैसे दी वैसे ये प्याले तैयार हैं, कुछ तो चले गए, मतलब जिनका आर्डर आता है। प्याले का ज़्यादा काम है? नहीं, प्याला नहीं। अच्छा, इधर खड़े हुई यहाँ पे। प्याला ज़्यादा हम नहीं बनाते हैं। अच्छा, जैसे मतलब कलश में 4-5 साइज का कलश हो गया। अच्छा, कलश। और ये गुल्लक जो है 4-5 साइज का गुल्लक है। अच्छा, ये 4-5 साइज का गुल्लक है, जैसे सिलेंडर वाला और ये दूसरा वाला? हाँ, सिलेंडर भी 3-4 साइज है। अच्छा, ये भी 4-5 साइज है, जैसे मंदिर वाला? नहीं, ये। अच्छा, ये दूसरा वाला जो सामने रखा हुआ है, गोल वाला जो रेड कलर है। और मतलब ये दिया है। अच्छा, पंच दिया है, मंदिर दिया है, नारियल दिया बना ही नहीं है। नारियल दिया कैसा मतलब होता है? नारियल सेम जैसे नारियल गोल होता है ना, गोला। हाँ,
तो वैसा मतलब बनाते हैं उसको, उसको भी कटिंग रहता है। अच्छा है, अच्छा अच्छा लगाने के लिए वो भी वो लगाते हैं। अच्छा जैसे मंदिर वाला वैसे वो नारियल में कटिंग रखते होंगे। और गिलास उलास भी बनाते हैं, कटोरी उटोरी भी बनाते हैं, बहुत सारा आइटम है। यानी कि वो जो भगौना भगौना बनाते हैं, भगौना बनाते हैं। गिलास नहीं अभी बना हुआ, गिलास नहीं बना, भगौना भी नहीं है। नहीं भगौना तो बना, बना भगौना कहाँ, भगौना दिखाइए। अभी भैया कह रहे थे कि भगौना भी बनाते हैं, भगौना लेने के अंदर वो भी आपको दिखाते हैं। भैया की कलाकारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। दिए कई प्रकार के बना रहे हैं और मुझे ये वाली चीज़ सबसे अच्छी लगी, ये सिलेंडर में ये गुल्लक बना रहे हैं और ये मंदिर वाले दिए और भी बहुत सारी आइटम हैं। एकदम पेंट करके तैयार है बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। वाला है। अच्छा अच्छा धूप जलाने के लिए। हाँ, ये भैया ने धूप जलाने के लिए बनाया हुआ है। ये भगौना, ये भगौना बनाया है। ये प्लेट मिट्टी के बर्तन में खाना वैसे बहुत बढ़िया माना गया है। ये देखिए भैया मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत लाजवाब भैया। ये प्लेट है इसका ऊपर से और ये भगौना है। मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत बढ़िया माना गया है। बहुत भैया लाजवाब काम कर रहे हैं आप। बहुत आइटम है, क्या क्या बताएंगे हम। अच्छा अच्छा, हमारे जैसे ऑर्डर मतलब मिलता रहता है, बनाते हैं जब तैयार हो जाता तो। अच्छा अच्छा, ये खाने के बाद दिया लगाएंगे, इसके बाद आइसिंग करेंगे। अच्छा अच्छा हाँ, इसके बाद पेंट वगैरह होता होगा। पेंट इसमें पेंट नहीं होता है, ये जो है एक कच्चे मतलब कच्चा जब रहता है, जब वो लाल कलर है ना वो पकने के पहले होता है, और ये जो रेड कलर है पेंटिंग वाला काम, ये पकने के बाद होता है। बट ये वाली चीज़ें दो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये वाला एक सिलेंडर वाला और ये बहुत बढ़िया। बाकी भी बहुत बढ़िया आइटम है, जैसे ये मंदिर वाला है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भैया आप। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, भैया के लिए सपोर्ट कीजिए अपने यूट्यूब चैनल को। अगर किसी को भी बर्तन लेना हो, यहाँ दीदारगंज में बन रहे हैं, भैया से संपर्क करें। किसी तरीके का दिया लेना हो, कलश वगैरह लेना हो तो भैया के साथ संपर्क करें। यहाँ ये कौन सा रोड है, दीदारगंज से आम गांव की तरफ रोड जा रहा है। दीदारगंज में रहने वाले आस पड़ोस में अगर किसी को बर्तन की जरूरत हो, मिट्टी के दिए वगैरह, तो यहां भैया से संपर्क करें। क्या नाम भैया आपका। महेंद्र प्रजापति। महेंद्र प्रजापति, ग्राम इमादपुर। ग्राम इमादपुर।